हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि होली की इतनी थकान हो गई थी ना, मतलब इतना काम तो नहीं होता है लेकिन ना फिर भी ना त्योहारों पर ना थकान हो ही जाती है, तो मैंने कल कोई व्लॉग नहीं डाला और ना ही मैंने कोई व्लॉग बनाया। तो ये मैंने कल रात में ना चावल बनाए थे तो चावल बच गए थे और मैंने सोचा कि क्यों ना इनको फ्राई कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जीरा डाल दिया इसमें, प्याज कटी हरी हुई हरी कटी मिर्च डाल दी और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2-3 टमाटर। और इसके साथ ही ये मैंने ना पत्ता गोभी, एक पूरी गोभी को कट कर लिया है और ये गोभी भी मैंने इसमें कट करके डाल दिया। इसको हम थोड़ी देर तक पकने देंगे। जो हमारे बचे हुए चावल होते हैं ना, अगर आप उनको इस तरीके से बनाएंगे ना, सच में गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाले हैं। बहुत ही अलग टेस्ट हो जाता है चावलों का। वैसे तो आप लोग फ्राई करते ही होंगे लेकिन पत्ता गोभी डाल के अगर आप लोग फ्राई करेंगे ना तो आपको एक अलग ही टेस्ट मिलने वाला है। तो इसको ना हम थोड़ी देर तक पकने देंगे और चावल भी ना थोड़े ज़्यादा बच गए थे तो मैंने सोचा इनको वेस्ट नहीं करना है। और मम्मी और मुझे तो इस तरीके के चावल बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो इसको नमक डाल के थोड़ी देर तक मैं पकने दूंगी और आप देख सकते हैं ना थोड़ा थोड़ा अधकच्चा सा हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने चावल और इसके बाद ना मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देख सकते हैं ना आप कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। और इसमें आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं और भी जो आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके थे, इसमें मैंने डाल दिया है एक नींबू। और नींबू डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती। और सच में गाइस अगर आप लोग इस तरीके से छोंक के चावल बनाएंगे ना आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाले। इसके साथ ही मैंने बनाई हुई है धनिए की चटनी, तो मज़ा ही आने वाला। और ये देखिए बन चुके हैं हमारे चावल। आज परी सेक रही रोटी, कह रही मम्मी मैं रोटी सेकूंगी और आप खाओ। तो परी की जो रोटियां हैं कुछ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है पर मैंने आज इससे बोला है कि आज तुम रोटियां सेको पर फूली जा रही है। हाँ फूली है पर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी तभी इसको सही बनानी आएंगी। परी के पेपर खत्म हो चुके हैं तो मैंने कहा कि चलो अभी छुट्टियां हैं ना तब तक थोड़ा थोड़ा घर का काम भी सीखना चाहिए। तो आजकल मैं परी और शौर्य दोनों को थोड़ा थोड़ा घर का काम सिखाऊंगी। शौर्य अभी कपड़े फैला के आया है, सारे कपड़े धुल रहे थे तो सौर्य ने फैलाए हैं सारे कपड़े और कल से सौर्य लगाएगा पोछा। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो मान लो। कल से सौर्य लगाएगा पोछा। आवाज आ रही है वहां पे सारी, जो भी बोल रहे हो आवाज सारी रिकॉर्ड हो रही है। और परी रोटी बना रही, रोटी अच्छी बनाई है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रोटी और थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी। सौर्य कर लाओ कैमरा, दिखाओ इधर। ये देखो यानी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी है, जैसे कि होटल में रोटी नहीं होती है उस तरीके से, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी सी जल गई है पर धीरे धीरे आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। ये देखो परी की रोटियां पहले सबसे ज्यादा जल गई है। तो धीरे धीरे सारी चीजें आती है लेकिन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्या कर रहे हो? आज हमने बनाए हैं मट्ठे के आलू। तो फ्रेंड्स आज मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, मतलब आज बहुत ज्यादा काम रखा था, कपड़े वपड़े धोने थे। और आज पता है हमारे घर में क्या हुआ, मेरे कमरे में ना बिल्ली पॉटी कर गई तो मुझे सारे ही कपड़े धोने पड़ गए। और परी ने कहा कि मम्मी चलो तुम कपड़े धो ले दो तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। और ये देखो यहाँ पे ना मेरे चींटी ने काट लिया, इस टाइम ना लाल चींटियां बहुत हो रही हैं। और उसने जब से काटा है ना, मेरे को कल रात में काटा था, तब से यहाँ पे ना ये इस तरीके से हो गया है। तो चलिए अब हम लोग खा लेते हैं खाना। तो आप लोग भी आजिए, आज बनाए हैं मट्ठे के आलू, मट्ठे के आलू बनाए हैं और रोटी चावल। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, लगा लिए और कितनी सेकनी है आज की सारी रोटियां परी सेकेगी। तो चलिए खाना खा के मिलते हैं। सो गाइज मैंने कल कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कल कपड़े धोते धोते ना मैं इतना थक गई थी क्योंकि कमरे में कर गई थी बिल्ली पॉटी ना, तो उसके बाद कपड़े धोते धोते बहुत थकावट हो गई थी। तो खाना खाने के बाद ना मैं सो गई, फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो परी बना रही है अपने चाचू के लिए शेक
और यहाँ पे ये एग भी परी ने अपने चाचू के लिए उबलने के लिए रख दिए हैं। परी को भी ना थोड़ा सा लालच रहता है पता है किस चीज़ का, क्योंकि आजकल जो उसके चाचू है ना परी को स्कूटी सिखा रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी कि परी कहाँ तक स्कूटी चलाना सीख गए। मैं भी यही चाहती हूँ कि परी ना स्कूटी मोटरसाइकिल सब चीज़ चलाना है, परी को कोई काम ऐसा ना हो जो परी को ना आता हो। मेरा मन पता है क्या करता है कि मैंने जो चीज़ें नहीं सीख पाई है ना वो परी सब सीख जाए। और आजकल ना परी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कि परी को ना थोड़ा सा ना मैं घर के काम भी सिखा दूँ, जैसे कि थोड़ा सा रोटी बनाना अपने लिए, कुछ अगर बाई चांस कभी कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, मैं बीमार हो जाती हूँ या फिर कोई दिक्कत हो जाती है तो परी ना थोड़ा सा ना खाना वाना भी बनाना सीख ले। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जो परी है वो इतनी मल्टी टैलेंटेड है, मतलब सारे काम है ना करने की कोशिश करती है, अगर कोई काम नहीं आता है तो करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो धुले हुए थे ना सारे कपड़ों को तय लगा लगा के दे रही थी, तो परी यहाँ पे सभी कपड़ों को ना अलमारी में रख दे रही थी। और ये कल ना यहाँ पे बेड पे इसी गद्दे पे ना बिल्ली पॉटी कर गई थी ना, तो ये कवर वगैरह मैंने सब धो दिए थे, तो इन कवर को चढ़ा रही हूँ तो मुझसे चढ़ नहीं रहा था कवर, तो मैं परी को कह रही थी परी कपड़े जल्दी से रख के आ जा फटाफट से कवर चढ़वा दे। और यहाँ पे परी रख रही थी सारे कपड़े तय लगा के, तय तो मैंने लगा दिए थे, परी सारे कपड़ों को अच्छे से रख रही थी। तो परी शौर्य घर में जब होते ना तो मैं इन दोनों से ही काम करवाती हूँ, ऐसा नहीं है ये मेरे साथ ही काम करवाते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोनों बच्चे ना मम्मी के साथ भी काम करवाते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊँ तो शौर्य ना दुकान पे मम्मी के साथ बैठता है, रात को 11 बजे 10:30 बजे मम्मी के साथ दुकान से वो घर आता है। और इस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो देवर है वो अपने मतलब ऑफिस चले जाते हैं, तो मम्मी को घर पे नहाने आना होता है, तो परी उतनी देर के लिए दुकान संभालती है, परी और शौर्य ही उतनी देर के लिए दुकान पे बैठते हैं मतलब 1-2 घंटे के लिए। तो मतलब मुझे ना अंदर से ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मेरे बच्चे इतने समझदार हो रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को समझ रहे हैं और उनमें इतनी समझ आ रही है कि हाँ हमें ये काम करना है। और आज पता है क्या हुआ कि मैं ऊपर चढ़ रही थी, मुझे ना कुछ सामान टांड पे रखना था ना, तो मैंने ऊपर जाके देखा तो चूहों ने इतनी गंदगी मचा रखी थी ऊपर, इतनी गंदगी मचा रखी थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने पूरे टांड की सफाई करी, और मुझे ना कांच के ग्लास मतलब ख़रीदने थे, तो मुझे ध्यान आया कि ऊपर टांड पे ना 2-3 जोड़ी कांच के ग्लास रखे हुए, क्योंकि गर्मी आ गई अगर घर पर कोई आ जाता है ना तो ठंडा वगैरह देने के लिए कांच के ग्लास होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने लगा दिया था, और झाड़ू वगैरह भी मैंने टांड पर लगा दी थी, सभी सामान को मैंने अच्छे से लगा दिया था। और ये गगरी है ना तो ये मेरी शादी की है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं इस गगरी का क्या करूं, तो परी बोली मम्मी इसमें टंकी लगवा लो, टंकी लगवाने के बाद ना फिर आप इसको किचन में रख लेना, तो इसमें से सब लोग पानी वगैरह पीते रहेंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें टंकी लगवा लेंगे। और यहाँ पे बस मैं झाड़ू वगैरह लगा के इसको क्लीन कर दिया था, तो बस मैं नीचे उतर रही थी, तो परी कह रही मम्मी गिर जाओगी जीने से उतर के आ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं उतर जाऊंगी, और ये सामान भी अभी मुझे सारा ऊपर रखना था। तो जब तक बच्चों का रिजल्ट नहीं आ जाता ना तो तब तक बच्चों की छुट्टियां चलेंगी। तो बस आज मैंने कमरे की थोड़ी सी सफाई भी कर दी थी, और आज शनिवार था ना तो आज घर के जाले वगैरह भी मुझे हटाने थे सारे, तो वही जाले वगैरह हटा रही थी। इस टाइम पे परी शौर्य दोनों ही मेरी हेल्प करवा रहे थे, शौर्य वीडियो बना रहा था, परी घर में डस्टिंग वगैरह में मेरी हेल्प करवा रही थी। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, और मैं थोड़े से कपड़े ढूंढ रही थी, मैं सोच रही थी कि नवरात्रे आएंगे ना तो कान्हा जी के लिए ना नई ड्रेसेस बना दूंगी, तो मैं देख रही थी जो मैं सिलाई वगैरह करती हूँ ना तो उसमें से ना कुछ अच्छे अच्छे कपड़े बचे हुए थे, तो जो मतलब कतरन होती है ना काफ़ी बड़े बड़े पीसेस बच जाते हैं, तो मैं उनको रख लेती हूँ संभाल के, तो कान्हा जी की ड्रेस वगैरह मैं फिर घर पर बना देती हूँ, क्योंकि इतनी महंगी ड्रेस बाहर से आती है तो बस मैं लेस मंगा लेती हूँ, और लेस मंगा के फिर मैं ड्रेस को घर पे ही बना देती हूँ। और ये वीडियो शौर्य बना रहा है ना, शौर्य अगर कोई भी काम करता है उसमें शैतानी ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने परी और शौर्य का ना स्टडी रूम बना रखा है। स्टडी रूम क्या है, यहाँ पे ना परी की बुक्स वगैरह और इनके खिलौने वगैरह रखे रहते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था। कुछ दिन पहले मैंने ठीक तो कर दिया था, क्योंकि इन बच्चों के दोनों के पेपर चल रहे थे ना, तो मेरे को जैसा समझ आया मैंने सारी चीज़ें ठीक से रख दी थी, लेकिन आज परी को टाइम मिला ना तो परी उन सब चीज़ों को सही से रख रही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परी डस्टिंग वगैरह भी कर रही है, तो ये सब चीज़ें ना बच्चों को सिखाते रहना चाहिए। और शौर्य भी करता है, अभी शौर्य ने भी काम किया, बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी। शौर्य झाड़ू वगैरह लगा रहा था, मतलब जीने पे झाड़ू वगैरह लगाई उसने, और भी बहुत सारे काम किए। और मैं ना मतलब आज है ना थोड़ा ढंग से झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, सारे जाले वगैरह छुटा रही थी, आज शनिवार था ना तो मैंने कहा चलो आज बच्चे भी हैं तो थोड़ा सही से कर देती हूँ। और बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी, परी ने भी सारी बुक्स वगैरह लगा ली।
हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन सैटरडे, घर चल रही है घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, काम मुझे बहुत सारे करने हैं। आज मुझे स्टिचिंग भी बहुत करनी है, पर है ना आज मैं कर रही हूँ थोड़ी सी घर की क्लीनिंग। और मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल है ना बिल्ली हमारे घर में ना लैट्रिन कर गई थी। सच में कल मैंने इतना काम मेरे लिए बढ़ गया, कपड़े वगैरह मुझे सारे धोने पड़ गए। और तो आज मैं कर रही थी थोड़ी सी क्लीनिंग, और टांड पे भी ना मतलब चूहों ने बहुत ज़्यादा पॉटी वगैरह कर रखी थी, तो उसको भी साफ सफाई कर दी है मैंने। कमरे की भी क्लीनिंग कर दी है। और परी शौर्य की चल रही है अभी इस टाइम पे छुट्टियाँ, क्योंकि इन लोगों के पेपर ख़त्म हो चुके हैं, अब इनका रिजल्ट आएगा ना तब तक इनकी छुट्टियाँ रहेंगी। तो आज मैंने इनको भी काम पर लगा रखा है। अभी इन लोगों ने जब तक इनके पेपर चले थे ना तब तक इन लोगों ने ना कॉपी किताबों का क्या कर रखा था मैं आप लोगों को दिखाती। तो आज ये लोग है ना सारे मेरे साथ भी हेल्प करवा रहे हैं, और खुद अपना भी जो इनका यहाँ पे स्टडी रूम सब बना रखा है, इनकी बुक्स वगैरह रखी हैं उसको भी सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे परी अपनी सभी बुक्सों को लगा रही है सही से। और मैंने बोला है कि परी नाइन्थ की बुक्स अगर किसी को ज़रूरत हो तो दे देना। और परी कह रही है कि मम्मी रख लो शौर्य को एनसीईआरटी की बुक्स। शौर्य के प्राइवेट स्कूल है, पर शौर्य के स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैंगी। तो कह रही मम्मी रख दो काम आ जाएंगी। मैंने कहा अगर किसी को ज़रूरत हो तो तुम दे देना, किसी ज़रूरत भाई किसी को ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप दे दो किसी ज़रूरतमंद को। और परी ने सारी कॉपी किताबें लगा दी। इधर शौर्य अपना काम करने में लगा हुआ है। आज मैंने इन दोनों जनों को ड्यूटी पर लगाया है, बहुत ज़्यादा ये शैतानी देते हैं ना, तो आज अपने अपने काम करो सब लोग। खुद लगा दी कॉपी किताबें। कमरे की क्लीनिंग तो हो गई है, थोड़े से जाले वाले हटाए थे, आज शनिवार था ना, और ऊपर की टांड की क्लीनिंग करी। और कांच के ग्लास वगैरह नहीं थे, टांड पे रखे हुए थे कांच के ग्लास। अब गर्मियां आ गई है ना, तो गर्मियों में कोई आ जाता है तो कांच के ग्लास नीचे थे ही नहीं, तो उनको कांच के ग्लास को निकाला। ट्रे भी रखी हुई थी। और पता है क्या, मैं चीजें ले लेती हूँ लेकिन ना मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ये चीज़ ले रखी है। तो अभी मैं टांड पे चढ़ी ना, तो मैंने ट्रे भी निकाली, कांच के ग्लास निकाले, और जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना तो वो मैंने टांड पे से निकाल दिया। तो मैं एक बार कहीं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से काफ़ी सारी ट्रे कांच के ग्लास वगैरह लेके आई थी। और जब कोई आ जाता ना कहती हूँ है ही नहीं, लेकिन अभी देखा तो तीन जोड़ी कांच के ग्लास ऊपर रखे हुए हैं, मतलब तीन पेयर रखे हुए हैं छः छः ग्लास का, तो एक जोड़ी मैंने निकाल लिए। और परी शौर्य लगे हुए हैं अपने काम में, पूरा फैलावा हो रखा है यहाँ पे, तो अभी ये यहाँ पे पूरा सही कर देंगे, तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे छुट्टी में परी शौर्य ने भी अपने ढेर सारे काम निपटा लिए हैं। और बच्चों से ना अपने कामों को करने के लिए ज़रूर कहना चाहिए। परी शौर्य के तो स्कूल में भी सिखाया जाता है, तो इन्होंने अपना काम किया। और उसके बाद मैं आई नीचे, तो आज मैंने थोड़ी सी फ्रिज की सफाई भी करी थी। फ्रिज में भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, और ये मिठाई वगैरह आई हुई थी ना, तो इसको मैं एक ही डब्बे में कर रही थी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। काम बहुत सारा था बट मैंने शूट नहीं